बंदर आया आकर भारी उधम मचाया, डाले तोड़े पत्ते तोड़े। तभी आया हुआ हूँ मैं इस टर्मिनल पे, यहीं पे मैं वॉक कर रहा था इस वाले लेन में। ये जो आपको सड़क दिख रही है ना, कुछ 600 मीटर लंबी ये सड़क है, वन साइडेड, तो इसको 3-4 बार मैंने अभी वॉक किया है। अब इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बचपन की बात है, जब होली वगैरह होता था ना, तो यहाँ पे बिहार में कादो होली होता है, जिसमें आपको सारी गंदगी गोबर वोबर सब आपके ऊपर डालते हैं। तभी हम लोग जब ये खेलते थे, कपड़े वगैरह सब फट जाते थे, तो हम लोगों को नहाने के लिए घर में एंट्री नहीं मिलता था। तो हम क्या करते थे, आप कि मेरे पीछे यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, वैसे ही इस टर्मिनल के नीचे जो पंप लगे हुए हैं उसको हम लोग यूज करते थे और नहाते थे। उसके बाद हम घर जाते थे, तो घर में अलाउ होते थे हम लोग अंदर जाने के। और अगर आज की बात आपको बताऊं, तो आज पता है मैं कैसे वॉक करने के लिए निकला हूं, अपने आप को पूरी तरह से बेवकूफ बना करके। क्योंकि जब से ये साइक्लोन आया था तब से मेरी आदत छूट गई थी, लेकिन आज जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि नहीं यार, आज एक काम करते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैंने ये बैग उठाया और बोला कि चलो दूध लेके आते हैं, और उसके बहाने निकला बिना ये चप्पल पहना हुआ मैंने, और चप्पल पहन के ही घर से बाहर निकला, और वहां से निकल के इधर आ गया वॉक करने के लिए। मैं ग्राउंड में नहीं गया, क्योंकि ऐसा लगा कि अगर ग्राउंड में जाऊंगा मुझे लगेगा कि अरे यार बहुत ज्यादा कर लिया, या वॉक करने में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह की चीजें। तो मैंने अपने आप के अपने दिमाग को बताया कि नहीं, हम ये करने नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद मैं आया और ये कर लिया। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका दिमाग जो है वो आपको कमजोर बनाने की कोशिश करता है, बट इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं धीरे धीरे ये चीज सीख रहा हूँ कि अपने दिमाग को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं और वो कर सकते हैं जो मुझे खुद को चाहिए और जो मेरे लिए अच्छा है। दिखाओ कितना बाहुबल है, बस इतना ही बाहुबल है तुम्हारे अंदर। नहीं, जंप नहीं करना रुद्रु, नीचे आइए ना। हाँ, अब मेरे पीठ पे चढ़िए। हाँ, मसाज कीजिए। क्या बस इतनी ही ताकत है आप? नहीं, नहीं, नहीं। क्या आपके अंदर बस जंप करने का ही बाहुबल है? और कोई बाहुबल नहीं है आपके अंदर? सो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस, आज की शुरुआत बहुत ही दमदार रही है, बहुत ही मजेदार रही है। ये देखिए, अभी मैंने एक और चीज फिगर आउट किया है। रुद्रु जो है वो मेरे पापा का फोन यूज कर रहा है। रुद्रु, ये फोन आपने किसने खोल के दिया आपको? किसी ने नहीं, बस मैंने ही अपने से खोल लिया। कैसे खोला आपने? मैं बताता। इसको हर किसी के फोन का पासवर्ड कैसे पता चल गया? रुद्रु, आपको सारे पासवर्ड कैसे मालूम चल रहे हैं? मुझे नानू का पासवर्ड इसलिए पता चल गया है क्योंकि जब भी वो मोबाइल खोलते हैं तो तुम देख लेते हो। हाँ। ये लड़का जो है ना, आगे चल के बहुत खतरनाक इंटेलिजेंट पर्सन बनेगा। पापा के फोन का पासवर्ड इसे मालूम चल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो ठीक है इसने देख लिया होगा, बट मेरे फोन का पासवर्ड इसको मालूम चल गया था, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आज मेरे पापा जो है सिविल इंजीनियर का असली काम कर रहे हैं, और मैं भी पापा का सपोर्ट करने के लिए भी नीचे आया हूँ, है ना। क्या पापा, क्या क्या करना है? बस इसका अलाइनमेंट मिला देना, इस गेट का और इस गेट का, है ना। उसके एज को मिला करके जब मैं यहाँ रखता हूँ इसके एज पे, देखिए कितना गैप है। इस समय स्टार्टिंग किया जाता है, उस समय कुछ नहीं है, कितना गिरेगा कितना उठेगा यही देखना है, क्योंकि बैठे हुए हैं बनाने के लिए। अभी देखो छोड़े हुए यहाँ पर है, तो अभी इतने सारे पत्थर डाला है हम लोगों ने इसको होल्ड करने के लिए। पापा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये पोल जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है उस पोल का। अब उस पोल के वहाँ एक देखिए, वहाँ वायर लगा हुआ है, वो वायर आके यहाँ कनेक्टेड है, उसको ना इसमें खींचा हुआ है। जमीन सुनती बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा को दीजिए। लो बेटा, जब छोटा था तो ये कुल्फी खाता था, आज बहुत टाइम बाद ये कुल्फी खाया मैंने। सो गाइस, अभी मैं कर रहा था एडिटिंग, लेकिन मेरा मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, तो मैंने अभी दादी को बोला है कि मैं एक घंटे का नैप ले लेता हूँ, मुझे जगा दें, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल स्लीपी स्लीपी। 2000 years later. टाइम कितना आ रहा है? 8:13। अभी मेरी वीडियो जो है 74% अपलोड हुई है। आज वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सबसे पहली चीज है कि दोपहर में जब मैं सोया था, उसके बाद दादी ने मुझे उठाया ही नहीं, तो काफी देर मेरी नींद खुली। सो के उठा, उसके बाद फटाफट एडिटिंग करके अभी अपलोडिंग पे किया। यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है, और गर्मी से ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि जब तक 2-3 बार आप ना नहाओ एक दिन के अंदर में, तब तक आपका मन भरेगा ही नहीं। सो अभी जस्ट नहा धो के मैं बाहर निकला, अभी भी मेरी वीडियो अपलोड हो रही है।
देखते हैं 10-15 मिनट शायद अभी और लगेगा। इसके हाथ में जब देखिए पूजा की थाली ही होती है। तुमको पता है सारे भगवान पहाड़ों पे क्यों रहते हैं? एक टाइम पे उनके पीछे ऐसे ही लोग भागा करते थे, उन्होंने शांति के लिए अपने आप को पहाड़ पे सेटल कर लिया। ये देखिए, ये सोमवार को और वो मंगलवार को भगवान का ऐसा पीछा करती है कि भगवान भागते फिरते हैं। अभी दोनों हाँफ रहे हैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। पुआ के घर में जब जाता हूँ पुआ पूजा रूम में ही बैठी रहती है, और शाम को भी देखिए पूजा कर रही है। माँ आवाज नहीं निकल रहा है माँ? मैंने तुमको बोला था कि एक घंटे बाद उठा देना, उठाई क्यों नहीं? पूछ ले, उतना देरी गोड़ में सली है, इतना देरी गोड़ में सली है। मना वही हम पूछे, तुमको कोई उठाता ही नहीं। आने के पहले आदमी जब तुम्हारे जैसा कैमरा ऑन करके लेगा ना, तब कहीं विश्वास हो या उसमें भी कहो कि आपका कैमरा सही है। हम उठे खाते, हम नहीं उठते। मैंने दादी से क्वेश्चन पूछ के गलती कर दिया, क्योंकि दादी से पूछा और पापा भड़क गए। कल क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ था कि मैं 9:30-10 में सो गया था। पापा रात को आए मुझे जगाए, ऐसा पापा सुबह बता, बट मैंने बोला कि आपने मुझे नहीं जगाया, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा भड़के हुए हैं कि तुमको कोई उठाता ही नहीं। मेरी नींद इतनी ज्यादा गहरी है कि मैं सो जाता हूँ तो फिर मतलब भाई सो जाता हूँ, और सब लोग इस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं अब कि ये सुबह कैसे उठ जाता है। आई कैन डू एनीथिंग।